नमस्कार, रानी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी मसाला पुलाव। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक कुकर लिया हुआ है, इसमें देखिए गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें डालूंगी देसी घी, मैंने एक चम्मच लिया था। मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा, इसमें मैं कुछ खड़े मसाले ऐड करूँगी, बड़ी इलायची और लौंग है। इसके बाद मैं ये 8-10 काजू हैं, उसको भी मैं डाल रही हूँ। यहाँ पे हरी मिर्च और प्याज है, इसको भी मैं डाल दूंगी। इसको अच्छे से गैस का फ्लेम स्लो है मेरा। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ मसाले। इसमें डालूंगा मैं हल्दी पाउडर, थोड़ा सा आधा चम्मच धनिया पाउडर, इसको अच्छे से भून लूंगी। बहुत ही खाने में अच्छे लगते हैं मसाले वाले जो पुलाव हैं। इसमें डालूंगी मैं ये आधा कटोरी हरा मटर, इसको भी लोग अच्छे से भून लेंगे। आप इसकी जगह भुट्टा जो आता है उसके दाने भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हरी मटर यूज कर रही हूँ, इसको हम लोग अच्छे से भून लेंगे। देखिए यहाँ पर मटर जो है हमारे भून गया है। अब इसमें मैं नमक ऐड करूँगी, अब अपने स्वाद के अनुसार नमक ऐड करें। अब मैं इसमें चावल डालूंगी, मैंने एक कटोरी चावल लिया हुआ था। चलिए देखिए मैंने चावल ऐड कर दिया है, इसको अच्छे से चला लेंगे। ये कितना सुंदर कलर आ रहा है। मैं इसमें पानी डालूंगी, मैंने इस कटोरी से एक कटोरी चावल लिया हुआ था, अब मैं इसमें दो कटोरी इसी कटोरी से पानी डालूंगी। देखिए मैंने दो कटोरी पानी ऐड कर दिया, तो अच्छे से चला लिया। देखिए कितना सुंदर कलर आ रहा है। अब इसको हम लोग एक सीटी लगाएंगे, इसका ढक्कन मैं बंद कर दे रही हूँ और गैस का फ्लेम जो है हाई कर दे रही हूँ। एक सीटी आने तक हम लोग, चलिए देखते हैं, मेरा गैस ठंडा हो गया है, इसको खोल के देखते हैं।
वाह, देखिए कितना सुंदर पुलाव बना है मेरा। चलिए इसको एक बर्तन में निकाल लेती हूँ मैं, तब आपको दिखाती हूँ। वाह, देखिए मसाला पुलाव जो है बन के रेडी हो गया है। देखिए इस तरह से आप पुलाव बनाइए, मैं थोड़ा सा गार्निश कर दे रही हूँ इस तरह से। देखिए इस तरह से पुलाव बनाइए मसाला वाला, और गर्मा गर्म खाइए। और मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगला वीडियो जल्दी देख सकें।